पूरे देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों के साथ ही जनपद में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन जिले के कुछ लापरवाह लोग शासन की अपील का भी पालन नहीं कर रहे हैं और खुलेआम बिना मास्क के अपने कारोबार में जुटे हुए हैं। इसी तरह कुछ महिलाएं भी मास्क लगाने से परहेज करती हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए पूर्व महापौर सत्या पांडे ने कहा कि महिलाओं को मास्क लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमण पूरी तरह से अपना जाल बिछाए हुए है और लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं। पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए लोगों को मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अपना सहयोग देना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, तो अक्सर जो महिलाएं हैं मास्क के नहीं लगा रही हैं और कहीं जाना रहता है उनको, तो पल्लू से ही मुंह ढक लेती हैं काम चलाने के लिए, तो क्या कहेंगे जी? आपकी बात एकदम सही है, पल्लू से ढकना। अक्सर मैं तो महिला हूं और पूछती रहती हूं कि आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगाया है, तो तुरंत उठाएंगी, आजकल ऐसे कर रही क्या है, इससे हो गया। हम कहें नहीं, इससे मास्क लगाने से होता है कि आपका श्वास जो है वो छन के आपको मिलेगा, चाहे नाक के रास्ते कहे चाहे मुंह से सांस लें। अक्सर देखते होंगे कि अगर मास्क लगाते भी हैं तो ऐसे नाक लोग खोल देंगे, जबकि नहीं, मास्क लगाने का है कि पूरा चेहरा, पूरा नाक और आपका होंठ, जहाँ से श्वास आप लेते हैं, कहीं से भी आपका पानी, वो हवा छन के आए ऑक्सीजन, तो मास्क बहुत ही ज़रूरी है। इधर बीच में देखे होंगे कि जब से कोरोना पिछले विगत वर्षों से लॉकडाउन हुआ, लोग इतने डर गए थे, डरने के बाद लोग सोचते थे कि अब क्या होगा। बीच में सुषुप्ता अवस्था के तौर पे जरूर था कोरोना, और मैं जब जाती थी तो मास्क लगाती थी। आप ही जैसे लोग भाई बंधु पूछते थे, अरे आप अब अभी भी मास्क लगाई हैं, क्यों लगाई हैं, जबकि ये शौक नहीं, इससे बहुत ज़्यादा श्वास लेने में भी होता है कि चलो उस तरह का स्वच्छंद रूप से श्वास नहीं ले जाता, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को सबको जवाब देती भी थी कि नहीं, हम जब तक नहीं जगेंगे दूसरे को नहीं जगा सकते। आप देखिए, लोग सोए रहेंगे तो कैसे किसी को जगाएंगे, तो अपने को, लोगों को जागरूक करने के लिए स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। और महिलाएं क्या, युवा भी नहीं लगाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र क्या, शहर की महिलाएं भी, अक्सर मैं तो टोक देती पहले मास्क लगाओ, कहाँ है तुम्हारा मास्क, आप अपना मास्क दिखाइए, तो वो लोग पर्स से दिखाएंगे, क्या दीदी रखी हूँ, हम कहते पर्स में क्यों रखी है, पर्स को स्वस्थ रहना है, जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी आपका पर्स स्वस्थ रहेगा और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। लेकिन उनको टोकने की जो हमेशा एक मैं तो छोड़ती नहीं हूँ, टोकती रहती हूँ, लेकिन ये सही बात है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। आज विश्व जो में कोरोना महामारी बहुत विकराल रूप ले लिया, अब फिर लोगों के अंदर दहशत आ रहा, डर रहा है, लेकिन फिर भी मास्क लगता है कि कौन सा हमारा मास्क अगर नहीं लगाएंगे तो कौन मुझे पकड़ता है। अरे आपको क्यों नहीं पकड़ेगा, क्या आप उसके रिश्तेदार हैं? अगर रिश्तेदार हैं तो और अच्छे से आपके पास आएगा, अगर आप शत्रु हैं तो और अच्छे से आपके पास आएगा। तो आप यही जान लीजिए कि वो आपका रिश्तेदार या आपका शत्रु ही सही, किसी आप पहचानता नहीं है, ये कोई भी वायरस होता है वो किसी को पहचानता नहीं है, हर किसी को आपको बराबर देगा। हाँ, अपने के मास्क लगाने के साथ साथ अपना खान पान भी स्वस्थ रखना चाहिए, स्वस्थ भोजन करिए, बाहर का भोजन न करिए, बासी भोजन न करिए, और
ताकत वाली अपने, जैसे आप खाएंगे नींबू निचोड़ के पीजिए, विटामिन सी की कमी नहीं हो नहीं चाहिए, विटामिन डी की कमी नहीं, यानी कि जो हमें प्रकृति सिखाता, ईश्वर जो सिखाता है कि कैसे हम रहें और कैसे हम अपनी जीवन की शैली को आगे बढ़ाएं, इस तरह करते हुए हमें अपने को स्वस्थ रखते हुए अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे तभी हम समाज को भी स्वस्थ रखते हैं और महिलाओं पर जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है इसके लिए।